देखो जरा, लास्ट क्लास में मैंने तीन आइडेंटिटी बताई थी आपको, किस किस को याद है वो लिखो दोबारा से। इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वेयर वन अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डीएक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर डीएक्स। बताओ बच्चों किस किस को याद है ये? दिस इज इक्वल टू क्या होता है ये? वन बाई टू ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। दिस इज इक्वल टू वन बाई टू ए लॉग ऑफ, इसमें क्या आएगा बच्चों, ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस में सी। और पिछली बार मैंने आपको ये भी समझाया था कि इनको याद कैसे रख सकते हो। एंड इसमें क्या होता है, वन बाई ए टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में सी, करेक्ट ये होगा। ठीक है बच्चों, इसके साथ हमारे पास कुछ और आइडेंटिटीज भी हैं। देखो जरा, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन, बच्चों ये फर्स्ट वाली टर्म अंडर रूट के अंदर आ जाए, या जो फर्स्ट आइडेंटिटी में जो टर्म है वो किस में आ जाए, अंडर रूट के अंदर आ जाए, एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डीएक्स। इसी टाइप से जो ये लास्ट वाली टर्म है ये अंडर रूट में आ जाए, एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर डीएक्स। एंड नेक्स्ट जो कौन सी थर्ड वाली टर्म, थर्ड वाला इंटीग्रेशन भी यहां पर जो ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर है वो भी क्या आ जाए, रूट के अंदर में आ जाए। पहले ये सारी टर्म डिनोमिनेटर में थी बट विदाउट अंडर रूट थी, अब अंडर रूट के अंदर आ गई है। तो बताओ फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन बताओ क्या करेंगे। ये होता है बच्चों लॉग ऑफ, इसमें भी लॉग होता है और इसमें भी लॉग होता है, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस सी। क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस सी। इसमें क्या होगा बच्चों, एक्स प्लस, देखो एक्स प्लस, ये एक्स प्लस इसके बाद जो ये टर्म है ना यहाँ पर, ये एज इट इज ही लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। इसी टाइप से लॉग ऑफ एक्स प्लस इस वाली टर्म का क्या करें, यहाँ पर भी क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ये एज इट इज आएगी, ठीक है। दिस इज इक्वल टू इसमें लॉग ऑफ, लॉग नहीं होगा सॉरी, इसमें देख एक बात बताओ, हमने इसका इंटीग्रेशन पढ़ा है ना, वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वेयर डीएक्स, क्या होता है ये, साइन इनवर्स एक्स बाई ए सॉरी साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, यही होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो अब इसमें क्या चेंज आ गया, इसमें चेंज आ गया वन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डीएक्स, यही आया ना चेंज, ठीक है। क्या होगा ये होगा बच्चों वन बाई ए साइन इनवर्स, वन बाई ए नहीं होगा इसमें, क्या होगा बताओ जरा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है, ऐसे करेंगे। तो ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं बच्चों, ठीक है, चलते हैं आगे। अब एक्सरसाइज पे आ जाओ, जरा एक्सरसाइज है हमारी 7.4।
एक्सरसाइज 7.4, एक्सरसाइज 7.4, देखो बच्चों जरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रल ऑफ 3x² अपॉन x6 + 1, x6 + 1 इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। बच्चों कैसे करोगे इस इंटीग्रेशन को बताओ जरा। देखो हमने एक आइडेंटिटी रीड की थी अभी, तो क्या थी वो? 1 upon x² + a² dx, दिस इज इक्वल टू, बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/a tan inverse x/a + c। ठीक है, तो इस अपने क्वेश्चन को देखो। अब x6 को तो हम x³ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1 को क्या लिख सकते हैं? जो डिनोमिनेटर में x6 है इसको तो हम क्या लिख सकते हैं? x³ का होल स्क्वायर, और 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। लेकिन ऊपर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए न्यूमरेटर में। तो क्या करोगे आप इसमें? आप इसको लिखोगे i = 3x² upon, इस x6 को लिखोगे आप, x6 को क्या लिखोगे बताओ? x6 को क्या लिखोगे? x³ का होल स्क्वायर लिखोगे आप इसको, प्लस में 1 को लिखोगे 1 का स्क्वायर इनटू dx। बताओ ये समझ आया? चलें आगे। अच्छा अब बच्चों हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसको पुट करेंगे? देखो यहाँ पर जब ये आप आइडेंटिटी लगाओगे ना, तो जैसे यहाँ x² है, x एक लीनियर टर्म है और उसका स्क्वायर है, तो ये आइडेंटिटी तभी लग पाएगी जब किसी लीनियर का स्क्वायर हो। तो यहाँ पर भी आपको क्या चाहिए? एक लीनियर टर्म चाहिए, x³ की जगह क्या चाहिए आपको? एक लीनियर टर्म, तभी आप ये आइडेंटिटी लगा सकते हो। सो आपको करना है x³ को t पुट करना है। इससे हमें दो फायदे होंगे, एक तो जो ये x³ के जब एक लीनियर टर्म चाहिए वो मिल जाएगी, और एक सॉल्यूशन और हो जाएगा। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि हमें न्यूमरेटर में अकेला 1 चाहिए, कांस्टेंट नंबर चाहिए, तभी ये आइडेंटिटी लग पाएगी, नहीं तो नहीं। सो इसको डिफरेंशिएट करो आप, इसका डेरिवेटिव कितना होगा? 3x² dx, ये क्या बन गया? dt बन गया, राइट? सो न्यूमरेटर में जो 3x² dx है इसको आप क्या लिख सकते हो? dt अपॉन बताओ t² + 1 का स्क्वायर, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, बताओ अब इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा? 1/a क्या है इसमें? कांस्टेंट नंबर a होता है और जो वेरिएबल है वो x होता है, ठीक है, तो x के जगह इसमें t है और कांस्टेंट क्या है यहां पर? 1, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा 1 tangent inverse 1/1 tangent inverse t/1 + c, ठीक है। सो फाइनल आंसर क्या आ गया इसका? i = tangent inverse t, t के जगह क्या लिखोगे भाई आप? प्लस, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ये फाइनल आंसर होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों जरा, क्या है सेकंड क्वेश्चन में? i = चलो कौन बताएगा ये सेकंड क्वेश्चन? ये 11th वाले भाई थोड़ा 12th वालों की इज्जत करना सीखें, ठीक है। 1 upon 1 + 4x² कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? अरमान बताओ, बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला ऐसा था, लेकिन ये फॉर्मूला तभी लग पाएगा जब x² का कोफिशिएंट क्या हो? 1। अगर x² का कोफिशिएंट 1 नहीं होगा तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो फॉर्मूला लगाने से पहले इसको 1 बनाना पड़ेगा। सो क्या करेंगे? इसको दो मेथड है, इसके दो मेथड है, मैं आपको एक सिखाता हूँ पहले, दूसरा कहेंगे तो मैं सिखा दूंगा।
कमेंट में लिख के बताना पड़ेगा आपको कि दूसरा भी सिखाना है क्या। बच्चे इसको आपको क्या लिखना पड़ेगा, 1 + 2x का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब आप सब्स्टिट्यूट करो, क्या पुट करोगे बताओ जरा, पुट 2x इज इक्वल टू t, पुट 2x इज इक्वल टू t, तो 2 इंटू dx इज इक्वल टू क्या हो गया dt, 2 इंटू dx इज इक्वल टू क्या हो गया dt। सो dx की वैल्यू बच्चों क्या आएगी, यहां से dx की वैल्यू क्या आएगी, dt by 2, ठीक है, समझ आया ये, किसी बच्चे को कंफ्यूजन तो नहीं, वेरी गुड। I इज इक्वल टू बताओ क्या बन गया, I इज इक्वल टू dt अपॉन 2, तो 2 को तो बाहर लिखेंगे, इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे, हम शुरू से ऐसा ही करते आए हैं, और यहां पर क्या बन गया, 1 + t² प्लस, अब बताओ इसका इंटीग्रेशन फिर, I इज इक्वल टू 1/2, क्या था इसका, ये वाली आइडेंटिटी, 1 / x² + a² dx, क्या था इसका, log ऑफ, इसका इंटीग्रेशन क्या था, log ऑफ mod ऑफ x प्लस, फिर ये टर्म एज इट इज, x² + a² + c, ये इसका इंटीग्रेशन होता था, तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 log of log of t, यहाँ x होता है, देखो यहाँ x होता है, तो क्या आएगा, t आएगा, t plus under root of 1 + t² और प्लस में क्या लिखेंगे, c। अब एक बात, t को रिप्लेस कर दें क्या, t को रिप्लेस कर देते हैं, t को रिप्लेस करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 1 + 2x² जिसको आप क्या लिख सकते हो, 4x² लिख सकते हो, सो I इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ 2x + √1 + 4x² + c, समझ आया, यस, हाँ, जब फॉर्मूला हम लगा रहे हैं 1/, जैसे 1 + x², तो स्क्वायर के नीचे जो नंबर है ना, स्क्वायर के नीचे जो नंबर है वो लीनियर होना चाहिए, और उसका कोफिशिएंट भी क्या होना चाहिए, और x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तभी लग पाएगा ये, वैसे नहीं लगेगा ये। नेक्स्ट, ठीक है, स्क्वायर पे ही लग पाएगी, ये स्क्वायर ही होना चाहिए एग्जैक्ट, और उसका कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए, ठीक है, चलो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 - x है क्या, देखना मेरी बुक में थोड़ा मिसप्रिंट है, का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx, बताओ बच्चों कैसे करोगे, रूट में है ये, सारा रूट के अंडर है भाई, बताओ, कोफिशिएंट 1 है लेकिन हमें तो x² चाहिए एग्जैक्ट, x² तो नहीं है, हमें एग्जैक्ट x² चाहिए, वो तो नहीं है यहाँ पर, यस, सो क्या करें, यस, 2 - x को t पुट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, पुट 2 - x इज इक्वल टू t, करो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 का डेरिवेटिव क्या हो गया, x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 इंटू लिखेंगे dx इज इक्वल टू dt, सो -dx इज इक्वल टू dt, माइनस को राइट में शिफ्ट कर देंगे, dx इज इक्वल टू -dt,
dx इज इक्वल टू माइनस dt, समझ गए? dx किसके इक्वल आएगा? माइनस dt के इक्वल आएगा, ठीक है? चलो जरा, सो बच्चों यहां से क्या आ गया हमारे पास, I इज इक्वल टू, देखो जरा न्यूमरेटर में माइनस तो हम बाहर रख लेंगे, ऊपर आ गया dt और नीचे क्या है टी स्क्वायर प्लस वन, टी स्क्वायर प्लस वन, करेक्ट? बताओ अब तो बहुत सिंपल हो गया। अब देखो लीनियर का स्क्वायर हो गया, टी का स्क्वायर हो गया और प्लस में वन भी आ गया और टी स्क्वायर का कोफिशिएंट भी वन है, सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। वन को लिख देंगे वन का स्क्वायर और इस पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, क्या होगा बताओ जरा? माइनस लॉग ऑफ, क्या होता है? लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। सो एक्स, एक्स के जगह हमारा क्या आएगा? टी। एक्स के जगह क्या आएगा? टी, टी प्लस, फिर उसके बाद ये वाली टर्म एज इट इज लिखनी होती है, कोई चेंज नहीं करना होता, ठीक है? ये टर्म एज इट इज लिखनी होती है, टी स्क्वायर प्लस वन और प्लस में क्या है सी। अब टी की वैल्यू रिप्लेस कर दें, बताओ टी की वैल्यू? माइनस लॉग ऑफ, टी की वैल्यू कितनी है बच्चों? टू माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। अब आंसर देखो, आंसर चेक करो, आंसर आपने देखा ना, ये नहीं है, चेक कर लिया ना सभी ने आंसर, ये नहीं है। आंसर क्या है? ये वाली टर्म डिनोमिनेटर में है, ये वाली टर्म लॉग के साथ जो टर्म है वो डिनोमिनेटर में है। तो बच्चों प्रॉपर्टी क्या होती है देखो, एन लॉग एम, एन लॉग एम किसके इक्वल होता है? लॉग ऑफ एम टू द पावर एन। सो माइनस वन लॉग एम को क्या लिखोगे? इसको लिखोगे लॉग ऑफ एम टू द पावर माइनस वन, और ये क्या बन जाएगा? लॉग ऑफ वन अपॉन एम, ठीक है? ये आइडेंटिटी अगर हम अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं, लॉग की आइडेंटिटी हम अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ये जो माइनस वन है, इस माइनस वन को यहाँ से हटा के इसकी पावर में लिखेंगे, ठीक है? तो ये डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा, क्या बन जाएगा? लॉग ऑफ ये जो पूरी टर्म है इसकी पावर क्या बनेगी? माइनस वन बनेगी। सो ये डिनोमिनेटर में चली जाएगी, वन अपॉन टू माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन, ये आपका फाइनल आंसर होगा प्लस सी, करेक्ट? प्लस सी नीचे क्यों जाएगा भाई? कहाँ है प्लस सी नीचे? वो लाइन तो मैंने सेपरेट करने के लिए लगाई हुई है। चलें आगे, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर डीएक्स, 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर डीएक्स, बताओ कैसे करोगे? ऐसे तो हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते इस पे, सो क्या करेंगे बताओ जरा? यस, 25 एक्स को क्या लिख दें? आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 5 एक्स होल स्क्वायर इनटू डीएक्स, करेक्ट? क्या पुट करोगे बच्चों, क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? पुट 5x इज इक्वल टू टी, राइट? क्योंकि x का स्क्वायर तो ठीक है लेकिन 5 को कहाँ एडजस्ट करें, ठीक है? सो 5 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी एंड डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 5, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 5, ओके। चलो ये बताओ I क्या बन गया, बताओ आई क्या बना?
आई इज इक्वल टू 1/5, dx के जगह dt/5 लिखेंगे तो 5 को बाहर लिख देंगे। अच्छा 1/, ये क्या बना बच्चों जरा बताना, 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर और 5x को लिखेंगे t का स्क्वायर और इनटू dt, ठीक है। dx के जगह क्या लिख दिया, dt/5, तो वो 5 बाहर लिख दिया। I इज इक्वल टू 1/a, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों, इंटीग्रेशन 1/a²-x² dx, दिस इज इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स x/a प्लस सी, ठीक है। 1/a, तो a क्या है हमारा, a बताओ क्या है, ये 5 तो ऐसे ही रहेगा ना, 5 में तो कोई चेंज नहीं आएगा। 1/a, a बताओ कितना है, 3, 1/a, और आगे क्या है, साइन में 1/a थोड़े होता है, साइन में नहीं होता, टेंजेंट इनवर्स में होता है 1/a, ठीक है। यहाँ आएगा बच्चों साइन इनवर्स t/3, साइन इनवर्स t/3 आएगा इसमें, प्लस में क्या होगा सी। सो इंटीग्रल क्या हो गया बच्चों, इंटीग्रल I इज इक्वल टू बोलो 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस सी। कुछ डाउट है तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे बताओ, अगला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, I इज इक्वल टू बोलो इंटीग्रल ऑफ 3x/1+2x² dx, कौन बता सकता है ये क्वेश्चन कैसे हुआ, 2x की पावर 4 है भाई। यहाँ पर बच्चों पावर कितनी है, 4, बताओ ये क्वेश्चन कैसे होगा, तुम चलो बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कौन बता रहा था बच्चों, एक बात ध्यान से सुनो, मैं एक हिंट दे रहा हूँ उसके बाद सोचो आप, 3 को हमें अंदर जरूरत नहीं है, x/1+√2x² क्या यहाँ से आपको समझ आया हम क्या करने वाले हैं, यस, रूट टू एक्स का क्या करने वाले हैं, टी पुट करने वाले हैं, पुट √2x इज इक्वल टू 2, √2x को 2x² इससे हमें दो बेनिफिट होंगे, वो टू बेनिफिट्स हमारे क्या हैं, देखो √2 एज इट इज x² का डेरिवेटिव क्या हो गया 2x इनटू dx, दिस इज इक्वल टू dt, ठीक है बच्चों। अब यहां से देखो आप x dx की वैल्यू क्या आएगी, dt/√2 x dx की वैल्यू क्या होगी बच्चों, dt/√2। सो अपना इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, अब हमारा जो इंटीग्रल है थ्री तो इसमें पहले से ही बाहर था, x dx के जगह आप क्या लिखने वाले हैं, dt/√2, और इस वाली टर्म को हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, बताओ इसको क्या सब्स्टिट्यूट किया, इसको क्या पुट कर दिया, p 1+, हाँ हमने सिर्फ 2√2 को पुट किया है ना, सॉरी पूरा नहीं होगा ये, ठीक है सिर्फ 2√2 को पुट किया है, तो ये t² हो जाएगा, एंड x dx के जगह क्या लिखेंगे, dt/√2, तो उस 2√2 को बाहर लिखेंगे, 2√2 को बाहर लिख देंगे, ठीक है बच्चों, बताओ क्या कंफ्यूजन, अंडर रूट के अंदर था, नहीं अंडर रूट में नहीं था, ये समझ आया ये, अच्छा। सो I क्या बन गया, अब I इज इक्वल टू
थ्री बाई टू रूट टू, थ्री बाई टू रूट टू, ठीक है। एंड बच्चों ये क्या हो गया, क्या लिखेंगे इसको, किसका इंटीग्रेशन है, ये है वन टेंजेंट इनवर्स टी का इंटीग्रेशन है। अब आप कहेंगे मैंने वन बाई ए क्यों नहीं लिखा, वन बाई ए लिखोगे तो वन बाई वन आएगा और यहाँ टी बाई ए टी बाई वन आएगा, ठीक है, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा था कि वन है। थ्री बाई टू रूट टू और टेंजेंट इनवर्स टी की वैल्यू बताओ कितनी है, रूट टू एक्स स्क्वायर हो गया प्लस में सी, ये इसका इंटीग्रेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सिक्स क्वेश्चन को देखो जरा, आई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स टू द पावर सिक्स, बताओ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर जो ये, हाँ एक्स सिक्स को क्या लिख लेंगे, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर डी एक्स। अब क्या पुट कर दें, एक्स क्यूब को टी पुट कर दें, क्या पुट कर दें, एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, और यहां से क्या आ जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, डी टी बाई थ्री, एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डी टी बाई थ्री। सो आई क्या बन गया, एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया आपका डी टी अपॉन थ्री, डी टी अपॉन थ्री अपॉन क्या है, वन माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, आई हो गया वन अपॉन थ्री डी टी अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर, समझ आया। अच्छा बताओ फिर, बताओ इसका इंटीग्रेशन बताओ, वन को क्या लिख सकते हैं, वन स्क्वायर लिख सकते हैं, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इस पे, ए स्क्वायर माइनस डी एक्स, दिस इज व्हाट, वन बाई टू ए लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, क्लियर है सबको, ठीक है, बताओ क्या हो जाएगा ये, वन बाई टू ए, वन बाई टू ए का मतलब वन लॉग ऑफ, बताओ जरा, ए प्लस एक्स ए प्लस टी, ए का मतलब वन, ए वन प्लस टी अपॉन वन माइनस टी प्लस में सी, चेंज करो टी की वैल्यू, रिप्लेस करो, आई इज इक्वल टू वन बाई सिक्स लॉग ऑफ वन प्लस टी, कितना है भाई, एक्स क्यूब अपॉन प्लस सी, ठीक है, समझ गए सभी, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, बताओ कौन बताएगा, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, बताओ कौन बताएगा, चलो मैं हिंट देता हूं आपको, आई इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और बच्चों दोनों पे इंटीग्रेशन सेपरेट कर दो डी एक्स, दोनों का इंटीग्रेशन क्या कर दो सेपरेट, आई इज इक्वल टू, एक बात बताओ, फर्स्ट पार्ट मैंने ऐसे ही लिख दिया एज इट इज, ठीक है आप भी लिख दो, सेकंड पार्ट का क्या आप डायरेक्ट मुझे इंटीग्रेशन बता सकते हो, बताओ, क्यों ले ले माइनस अंदर, इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
प्लस में सी। तो क्या आ जाएगा बच्चों, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, ये वाली टर्म एज इट इज आती है इस फॉर्मूले में, यहाँ पर ये टर्म एज इट इज लिखी जाती है प्लस सी। फर्स्ट वाले पार्ट में क्या करेंगे कौन बताएगा? एक्स को टी लेंगे, एक्स को एक्स स्क्वायर को टी लेंगे, एक्स स्क्वायर को टी लेंगे भाई। तो क्या आ जाएगा यहां से, टू एक्स डी एक्स, क्योंकि हमें ऊपर का एक्स भी तो खत्म करना है ना, मेन दिक्कत तो ऊपर के एक्स की ही है। अगर ऊपर एक्स नहीं होता, वन होता तो सीधा फॉर्मूला लग जाता है इस पे। और x कब आएगा, डेरिवेटिव होना है पुट करेंगे तो, x कब आएगा जब एक्स स्क्वायर को t पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ से, x dx क्या बन गया, dt अपॉन टू i इज इक्वल टू, बताओ जरा x dx के जगह क्या लिखेंगे, dt अपॉन टू, वन बाय टू dt अपॉन टू, और नीचे क्या होगा भाई, रूट ऑफ, आप चाहते तो एक्स स्क्वायर माइनस वन पूरे को t ले सकते थे, एक्स स्क्वायर माइनस वन कंप्लीट को क्या लिख सकते थे, टी, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू टी, तो नीचे क्या बन गया, रूट टी माइनस, वो बाद वाली टर्म ऐसे ही है एज इट इज रहेगी, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हो चुका ऑलरेडी। कंफ्यूजन, किसको एक्स लेके, किसको एक्स को टी, कोई फायदा नहीं होगा, एज इट इज बन जाएगा t अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन, फर्क क्या पड़ा। अगर x को t लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t अपॉन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन डी टी। एक्स को अगर t लेंगे तो x को t लेने से फर्क क्या पड़ेगा, देखो जरा, x x की जगह t आ गया, फर्क क्या पड़ेगा, न्यूमरेटर से t तो हाँ हटेगा नहीं, और जब तक न्यूमरेटर में ये टी आई एक्स रहेगा इंटीग्रेट नहीं होने देगा, इसलिए आपको उसको हटाने के लिए एक्स स्क्वायर लेना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या बन गया भाई, आई इज इक्वल टू वन बाई टू टी की पावर माइनस हाफ है, ये टी की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी की पावर प्लस हाफ, टी की पावर हाफ डिवाइडेड बाई टी टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाई वन बाई करेंगे तो टू बाई वन हो जाएगा, माइनस log of x plus under root of x square minus 1, ये term as it is रहेगी और plus में क्या होगा c, आगे वाली term तो as it is रहनी है, कहाँ पर उल्टा करके लिख दिया ना बेटा, यहाँ पर divide में half लिखना था, मैंने उसको 2 by 1 लिख दिया, तो और 2 से 2 कट हो जाएगा भाई, ये वाली term t to the power minus half हुई, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए पावर को एक बढ़ाया तो हाफ हो गई, डिवाइडेड बाय हाफ करेंगे तो वो टू बाई वन हो जाएगा, माइनस आप यहाँ प्लस क्यू बनाना चाहते हो बीच में, अगर मान लो एक्स माइनस टू लिखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हमें, एक्स माइनस लॉग एक्स लिखा है तो, मान लो कहीं ऐसा लिखा है एक्स माइनस लॉग एक्स, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पर प्लस इस माइनस वन को आप ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर माइनस वन, ठीक है, तो ये x प्लस लॉग ऑफ वन अपॉन x बन जाएगा। बट क्यों हटाना चाहते हैं हम बीच में से माइनस, बिगनिंग में माइनस आ जाता है तब तो इसलिए हटा देते हैं कि बिगनिंग में माइनस लगा हुआ है, ठीक है, ये तो बीच में है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हटाने की, ठीक है। चलें आगे देखो जरा, समझ गए सभी बच्चे अरमान? सो फाइनल आंसर क्या है बच्चों, आई इज इक्वल टू, बताओ जरा यहाँ पर टी को रिप्लेस कर दें, बताओ टी क्या है, एक्स स्क्वायर, टी क्या है एक्स स्क्वायर, तो टी की पावर हाफ है तो एक्स हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन लिया था,
एक्स स्क्वायर माइनस वन लिया था तो एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर हाफ मतलब उसका रूट आएगा, ठीक है। टी को हमने क्या लिया था भाई, एक्स स्क्वायर माइनस वन लिया था तो टी की पावर हाफ यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वन का रूट आएगा, ठीक है। ये लिखेंगे, देखो भाई जरा अगला क्वेश्चन देखो, एट्थ क्वेश्चन देखो। I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x सिक्स प्लस a सिक्स। ये ऊपर का x स्क्वायर भी हमें हिंट देता है कि x क्यूब को टी पुट करना है, ठीक है ना। अंडर रूट भी है क्या नीचे, चेक करो। हाँ है, तुम्हारी में है तो सबकी बुक में ही होगा, ठीक है। देखो भाई x स्क्वायर अपॉन, इसको लिखेंगे x क्यूब का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे a क्यूब का होल स्क्वायर अंडर रूट, और क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x क्यूब इज इक्वल टू t, तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। सो x स्क्वायर dx की वैल्यू, या फिर देखो एक तरीका ये भी होता है कि यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 3 से डिवाइड भी कर दो, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से डिवाइड कर दिया, सो I इज इक्वल टू, बताओ क्या बना, सेम है इसीलिए तो कर पाए। अच्छा, इस 3x स्क्वायर dx के जगह क्या लिखोगे बच्चों, dt, क्या लिखोगे dt, और नीचे ये क्या हो गया, x क्यूब के जगह t का स्क्वायर बन गया, प्लस इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कांस्टेंट से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें वेरिएबल वाली टर्म को चेंज करना होता है। बताओ फिर इसका इंटीग्रेशन, टेंजेंट अंडर रूट में है ना, ये अंडर रूट, हाँ लॉग ऑफ मॉड एक्स, एक्स के जगह लिखा जाएगा टी एक्स प्लस, फिर बाद में ये टर्म एज इट इज लिखी जाती है प्लस के बाद, टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का होल स्क्वायर प्लस में सी, तो क्या बन गया ये, आई इज इक्वल टू 1/3 लॉग ऑफ टी इज व्हाट, टी क्या है, एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर, बताओ टी स्क्वायर क्या है, एक्स की पावर सिक्स, टी एक्स की पावर, टी को क्या डालेंगे, एक्स क्यूब डालेंगे तो टी स्क्वायर क्या बन जाएगा, एक्स सिक्स प्लस ये क्या है, ए सिक्स प्लस कांस्टेंट लीनियर हो या कांस्टेंट लीनियर ना हो, मान लो फाइव आ गया तो रूट फाइव का स्क्वायर लिख देंगे, ए आ गया तो रूट ए का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ए फाइव आ गया तो ए की पावर ए टू द पावर 5/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कांस्टेंट में कोई इस प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वेरिएबल यहाँ वाली टर्म लीनियर होनी चाहिए, लीनियर का स्क्वायर बनना चाहिए, ठीक है, विद कोफिशिएंट वन, ठीक है। चले आगे अगले क्वेश्चन में बच्चों, क्वेश्चन नंबर नाइन आपने बुक में रीड कर ही लिया होगा, चलो नहीं किया तो मैं लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन क्या है, टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस फोर है क्या, फोर क्या करोगे, रूट में है, पुट कर दो बच्चों, किसको टी पुट करोगे, टेन एक्स को टी पुट करेंगे, टेन एक्स को टी, तो टेन एक्स का डेरिवेटिव हो गया सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स दैट इज डी टी, आई क्या बन गया बताओ, डी टी अपॉन रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस फोर को लिख देंगे टू का स्क्वायर, तो आई क्या आ गया बच्चों, 1/a, नहीं इसमें 1/a नहीं होता, लॉग ऑफ टी प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस में सी, आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ टी इज व्हाट, 10x प्लस अंडर रूट ऑफ, बताओ जरा, 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस, ठीक है बच्चों,
ऐसे करेंगे, चलो बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे।